प्रजा धर्म और यूनान का राजदूत मौर्य साम्राज्य अशोक राज्य में बार यूनान के राजदूत का आना हुआ तो उसने मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा प्रत्येक मनुष्य जो वहां का रहने वाला और आसपास के लोगों के मुख से सुनी तो उसे भी चाणक्य से मिलने की इच्छा हुई कि देखूं तो सही इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कौन। आखिर दरबार से पता पूछने के बाद राजदूत चाणक्य से मिलने के लिए उनके निवास स्थान गंगा के किनारे चल दिया। वहां पहुंचने के बाद देखता है कि गंगा के किनारे एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी लंबा चौड़ा पुरुष नहा रहा था। जब वह आदमी नहाकर कपड़े धोने लगा तो राजदूत ने पास जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप चाणक्य का घर जानते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने सामने एक चौनपाड़ी की ओर इशारा किया। राजदूत को भरोसा ही नहीं हुआ कि किसी राज्य का महामंत्री इस साधारण सी झोपड़ी में रहता होगा, लेकिन फिर भी वो उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा और भीतर जाकर उसने उस झोपड़ी को खाली पाया। यह देखकर राजदूत को लगा कि गंगा के किनारे उसे मिले उस व्यक्ति ने उसका मजाक बनाया है। ऐसा सोचकर वो मुड़ने लगा तो क्या देखता है कि वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। यह देखकर वो राजदूत उस व्यक्ति से कहने लगा, अपने तो कहा था न कि चाणक्य यही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, अपने मेरे साथ मजाक किया है क्या। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, महाशय मैं ही चाणक्य हूँ, कहिए क्या प्रयोजन है। इस पर राजदूत हैरान रह गया, कहने लगा, मौर्य साम्राज्य के महामंत्री और इतनी सरल दिनचर्या और वो भी इस झोपड़ी में निवास, कमाल है, विश्वास ही नहीं होता। चाणक्य ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि अगर मैं महलों और राजभवन की सुविधाओं के बीच रहने लग जाऊं तो प्रजा के हिस्से में झोपड़ी आ जाएगी, इसलिए मैं प्रजा धर्म का निर्वहन करते हुए यहां रहता हूं।